हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्थानीय पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया है। राहुल गांधी को इम्फाल एयरपोर्ट के आगे विष्णुपुर चेकपोस्ट पर रोका गया है। इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो चुरा चांदपुर जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के काफिले को सुरक्षा कारणों से रोका गया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पुलिस राहुल गांधी की कार को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जबकि किनारे खड़े लोग उनकी ओर हाथ हिला रहे थे। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने हमें क्यों रोका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार 29 जून को इम्फाल पहुंचे हैं। राहुल गांधी दो दिनों तक हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा करेंगे और अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों में भी जाएंगे। इसके साथ ही उनका इम्फाल और चुरा चांदपुर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। राहुल गांधी के दौरे की जानकारी देते हुए कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि आपके राहुल गांधी प्रेम भाईचारा अमन का पैगाम लेकर मणिपुर पहुंच गए हैं। कुछ वक्त में वो हिंसा के पीड़ितों से मिलेंगे।